एयर एम्बुलेंस ही मुझे बुक करना पड़ गया था, क्योंकि मतलब सोच ही नहीं था कि इतना जल्दी ये रिकवरी कर पाएंगे। मेरा नाम रंजन कुमार है, पेशेंट का नाम रानी कुमारी जो मेरी वाइफ है। पेशेंट को रात में लगभग 10 बजे के आसपास सांस फूलने की मतलब समस्या बहुत ज़्यादा हो रही थी, और जब मैंने घर में ऑक्सीमीटर से चेक किया तो लगभग 79-80 के आसपास मौजूद था, इसलिए मुझे तुरंत इमरजेंसी में पास आना पड़ा। जो आपके हॉस्पिटल में मैंने 1 तारीख को रात में लगभग 2 बजे के आसपास एडमिट हुए। रीज़न ये था कि एक्चुअली हमारी वाइफ का नॉर्मल डिलीवरी 28 दिसंबर को हुआ था और सब कुछ ठीक था, लेकिन रात 1 बजे जो इनको सांस में इनको तकलीफ आने लगी। पेशेंट का कंडीशन आप सभी समझ सकते हैं कि ऑक्सीमीटर में अगर 78 है तो क्रिटिकल ही है, वो भी घर पे। ये बर्थ के 2 दिन के बाद जब हम नॉर्मल सब कुछ ठीक था घर पर, उसके बाद ये अचानक सडनली रात में 1 PM के आसपास रात में इनको ये सांस फूलने की तकलीफ मतलब स्टार्ट हुई। तो जो इनके सांस फूलने के चलते मैं तुरंत आपके पल्स में छाती रोग जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अत्री गंगोपाध्याय, उन्होंने मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट इनके अंदर में हुआ। डॉक्टर अत्री और टीम जो खासकर ITC क्रिटिकल केयर के दीपक कुमार और जो कार्डियो DM जो साकेत कुमार भी इनके ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व थे। 2 दिन में इतना जो रिकवरी हुआ है मतलब इम्पॉसिबल चीज मतलब पॉसिबल मतलब, जो कि मैंने बीच में मुझे ऐसा कंडीशन था कि मुझे एयर एम्बुलेंस ही मुझे बुक करना पड़ गया था, क्योंकि मतलब सोच ही नहीं थे कि इतना जल्दी ये रिकवरी कर पाएंगे।